यूपी कैबिनेट की दूसरी बैठक आज होगी। इस मीटिंग में सरकार कई अहम फैसले ले सकती है। किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार बंद चीनी मिलों को लेकर नई घोषणा कर सकती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर भी अहम फैसले लिए जा सकते हैं। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने प्रदेश की महिलाओं को भरोसा दिलाया है कि योगी कैबिनेट की बैठक में शराबबंदी से जुड़े मसले पर भी चर्चा होगी। यूपी में कृषि और वक्फ मंत्री के बाद औद्योगिक विकास मंत्री ने भी विकास कार्यों की समीक्षा की। कानपुर पहुंचे मंत्री सतीश महाना ने योजनाओं से जुड़ी फाइलें देखी और दफ्तर से गायब कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उधर बलिया के आरटीओ दफ्तर में मंत्री के औचक निरीक्षण से खलबली मच गई। दीमक लगी फाइलों और गंदगी देखकर उपेंद्र तिवारी भड़क गए। इतना ही नहीं, कैशियर की जगह कोई और व्यक्ति कैश लेता मिला। नोएडा में सेक्टर 49 के बरोला गांव में महिलाओं ने एक शराब की दुकान में तोड़फोड़ की। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च के बाद नेशनल हाईवे के पास शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया था, जिसके बाद से महिलाएं शराब की दुकानों का लगातार विरोध कर रही हैं। मायावती शासन के दौरान बेची गई चीनी मिलों की जांच के फैसले से किसान खुश हैं, लेकिन यूपी सरकार के इस फैसले के बाद मामले से जुड़े अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बुलंदशहर समेत कई जगहों की चीनी मिल कौड़ियों के भाव बेची गई थी, जिससे हजारों किसान प्रभावित हुए थे। यूपी के फतेहगढ़ में खेत में लगी आग में झुलस कर तीन भाई बहन की मौत हो गई। आग से 3000 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। गांव के लोगों ने फायर ब्रिगेड कर्मचारी को फोन तो किया, लेकिन वो वक्त पर नहीं पहुंचे। पंजाब में 1 करोड़ से ज्यादा फंड हासिल करने वाले सरपंचों की जांच होगी। पंजाब के ग्रामीण विकास मंत्री के मुताबिक पिछली सरकार में कई सरपंचों ने फंड तो लिए, लेकिन विकास का काम नहीं किया। फंड गबन के आरोप में कई अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई। विश्वविद्यालय के छात्र संगठन ने आज बंद का ऐलान किया है। फिरोजपुर के नहर विभाग में विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की। छापे के बाद विभाग से जुड़े कई रिकॉर्ड को विजिलेंस अधिकारी अपने साथ ले गए। हालांकि छापेमारी कर रही टीम के मुखिया ने मामले को रूटीन चेक बताया है। पंजाब के ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा है कि अमरिंदर सिंह की सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए हर कोशिश करेगी। बाजवा ने आरोप लगाया कि बादल सरकार की नीति ठीक नहीं होने की वजह से राज्य में बड़ी कंपनियों ने निवेश नहीं किया। जम्मू कश्मीर के बटालिक सेक्टर में एवलांच में शहीद हुए झारखंड के जवान लांस नायक बिहारी मरांडी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव रामनाथपुर में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस एवलांच में झारखंड के ही 2 और जवान हवलदार प्रभु शायु किरके और सिपाही कुलदीप लकड़ा शहीद हुए थे। इन तीनों जवानों की निगरानी वाली सैन्य चौकी बर्फीले तूफान में दब गई थी।